दोस्तों नमस्कार, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम कोवाल मछली बनाएंगे, मछली बनाने को शुरू करेंगे हम। अब हमारे वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो आप लोग देखिएगा। चलिए बनाने को शुरू करते हैं। देखिए यही मछली कोवाल मछली है, इसको थोड़ा इतना बड़ा बड़ा है मछली है, उसको बनाने को शुरू करते हैं हम। सब नदी की मछली है। चलिए मछली हम काट लिए, अब इसको धो लेते हैं। हम हाथ लगे मछली धो लेते हैं। मछली धो लेनी, चलिए चूल्हा धरा लेते हैं। अब देखिए आँच धरा लिए हम, अब हम इस पर कढ़ाई लगा देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया, इसमें कड़ू तेल डाल देते हैं, थोड़ा नमक लगा देते इसमें, थोड़ा सा हल्दी पाउडर लगा देते हैं। इसको बढ़िया से मिला लेंगे। मिला लिया, अब तेल गर्म हो गया, अब इसमें मछली डाल देते हैं। मछली में डाले खातिर जीरा मिर्च ले ले बनी, सरसों ले ले बनी, हरदी ले ले बनी, मरचा ले ले बनी, धनिया ले ले बनी, लहसुन ले ले बनी, अच्छी से चला तनी। एक तरफ मछली हम बढ़िया से भून लिए, और चलिए इसको पलट लेते हैं। एक तरफ कितना महीने लाल हो गया मछली, पलट दिए हम। तरफ मछली हम भून लिए, अभी काल लेते हैं मछली। इसका अब उठाओ तनी, मछली हम भून लिए, अब सब मछली भून लिए, अब इसको निकाल लेते हैं बढ़िया से। कितना बढ़िया मछली लाल हो गया, इसमें थोड़ा तेल डाल देते हैं, फूरन में प्याज डाल देते हैं। मटर काट
चलिए टमाटर डाल देते हैं। अब इसमें मसाला डाल देते हैं। धनिया पत्ता काट लेते हैं। नींबू खंड डाल लेते हैं स्वाद अनुसार। चलिए इसमें मछली डाल लेते हैं हम। इसको बढ़िया चला लेते हैं। चलिए इसको हम ढक देते हैं। अब मछली मेरा बन के तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ा धनिया पत्ता छींट देते हैं। ये मछली हो गया। मछली को हम उतार लेते हैं। अब दोस्तों कुवार मछली भात बनाए हम खाना काट लिए हैं। आप लोग खाना है तो आइए हम खाने को शुरू करेंगे। अब दोस्तों मछली खूब स्वादिष्ट को बढ़िया हुआ है। दोस्तों कुवार मछली या भात हम बनाए खूब स्वादिष्ट खूब बढ़िया हुआ है। आप ही की मिले तो बनाइए। कमेंट में लिखिए जो कैसा बना था। जैसे हम बनाए वैसे आप बनाइएगा। ये कुवार मछली में एक ही कांटा होता है बीच में। मछली बड़ी स्वादिष्ट होता है और स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है। मछली हरदम नहीं मिलता है। हमारा वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर हम आप लोग से अगला वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।